पटना के सिटी घाट के पास लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल शुक्रवार को गंगा नदी में दो बच्चे डूब गए थे, जिसमें से एक का शव मिला है जबकि दूसरे बच्चे का शव नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर लोगों ने सड़क का जाम कर दिया और आगजनी की, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। हंगामे को देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों का हंगामा, यातायात ठप और एक बच्चे का शव अब तक बरामद नहीं किया जा सका है, और इसी का आक्रोश अब लोगों में देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सड़क जाम किया गया है। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, क्या अब तक भी बच्चे का शव बरामद नहीं किया जा सका है? क्या हालात है वहाँ? देखिए, शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, सबको खोजने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी से अगर महज 5 मिनट पहले की बात करेंगे तो हमने जो अपडेट लिया है कि अभी भी लोग सड़क पे हैं, अभी भी आगजनी हो रही है, अभी भी लोगों ने सड़क जाम करके रखा है। लोग इस बात पर रहे हैं कि जब तक शव बरामद नहीं होगा तब तक वो सड़क जाम नहीं हटाएंगे। पुलिस मौजूद है, कई थानों की पुलिस मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी भेजा गया है। अब पुलिस कार्य है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उस वो इलाका दानापुर से पूरा बोरिंग रोड, कनाल रोड, राजापुर का इलाका है और वहाँ हजारों गाड़ियां आती हैं जाती हैं। वो इलाका आपको पता है, वो जीपी सेतु भी चला जाता है। तो बिल्कुल स्थिति इतनी खराब है कि आप पुलिस कानूनी कार्रवाई के मूड में है और एनडीआरएफ लगातार गंगा में सबको खोज रही है। अभी तक सब नहीं बरामद किया जा सका। एनडीआरएफ का कहना है कि सब बहुत जल्द बरामद किया जा कर लिया जाएगा, क्योंकि 24 घंटे हो गए हैं। स्वेलिंग के बाद सब ऑटोमेटिक पानी के ऊपर आएगा, तो आप शव मिलने में बहुत ज्यादा देर नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि लोगों का आक्रोश कब खत्म हो पाता है, लेकिन लोग आए हुए कि जब तक शव बराबर नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं जा पाएंगे, और यही कारण है कि अभी भी वहाँ सड़क जाम है, हंगामा है और आगजनी होगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगूब।